आई रिमेम्बर मुझे एक 10वीं के बाद आई स्टार्टेड सीइंग दैट कि हेयर फॉल हो रहा है एंड इट वॉज अनकंट्रोलेबल. देन आई गॉट पैनिक्ड, बहुत टेंशन में आ गया था. बहुत सोच रहा था कि कैसे इसको रोकूं, और इसके लिए मैंने बहुत सारे गलत प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया. देन बहुत अलग अलग तरीके के थेरेपीज़ वगैरह वगैरह ट्राई किए रहे. उससे जितना मैं प्रिवेंट करना चाहता था मेरा हेयर फॉल, उतना ज़्यादा वो बढ़ गया. और आफ्टर सम डेज आई जस्ट थॉट ऑफ लेटिंग इट गो. एंड एक दिन मैं सिर्फ बार्बर के पास गया. मैंने बोला कि देखो, ये तो हेयर फॉल मेरे से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और जस्ट अभी काट दो पूरा बाल और जस्ट जीरो मशीन मार दो. एंड देन आई थिंक फॉर 2 ईयर्स मेरी हेयर लाइन पीछे चली जाती रही. उसके बाद यस, फॉर फ्यू डेज मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है उसकी वजह से. देन आई स्टार्टेड गेटिंग दिस फीलिंग दैट आई एक्सेप्ट दिस, एंड इट बूम्ड अगेन. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी मच श्योर दैट आई कैन सिंपली फेस द मिरर कैमरा, इवन इफ आई एम गेटिंग व्हाट आई कैन से आई एम बाल्ड. और इफ आई से दैट कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, और ज़ीरो मशीन के मशीन्स ये वगैरह और बाकी का सब कुछ, बहुत कम बाल रखो, बहुत बड़ी बियर्ड बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छी बॉडी बनाऊंगा मैं, तो ये मेरा एक फीचर जो है जो मेरे हाथ से जा रहा है वो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा और लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पीपल, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. और फाइनली जब मैंने फिटनेस टॉक्स के बारे में सीरियस होना स्टार्ट कर दिया, तब मेरी टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नो, यू शुड स्टार्ट फेसिंग द कैमरा, लोग देख नहीं पा रहे हैं तुमको. फिटनेस टॉक्स के नाम आगे जा रहा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे तुम दिख रहे हो. और मैं इसी रैट रेस में था कि नो नो, आई एम नॉट नॉर्मल, लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई है, मेरे बाल अच्छे दिख नहीं रहे हैं. एंड सम ऑफ द अदर वे कैसा हो जाता है कि आप हर एक फ़ोटोज़ के पीछे रह जाते हो, सबसे पीछे खड़े रहते हो, ये सब कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था मुझे. सो ऑटोमेटिकली 2 महीने के बाद आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, एंड देन आई स्टार्टेड फेसिंग द कैमरा एज इट इज़, एंड आई वॉज रियली वेरी कॉन्फिडेंट. एंड आई थॉट दैट कि ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे ही मुझे उसको बेहतर बनाना था, मैंने स्टार्ट कर लिया सोचने के लिए कि चलो अभी एक काम करते, अभी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं. और उस टाइम पे मैंने फिर से सोचने के लिए स्टार्ट किया कि मैं कैसे दिखूंगा अच्छे से. तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि लेट्स जस्ट गो फॉर पैच थेरेपी, एंड इट turned out to be a very good thing, and I just did patch therapy, and then मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत confidence आने लगा. और अभी जो हूँ वो एक patch है. So yes, मैंने कभी ये छिपाया नहीं है कि मेरे बालों का राज क्या है वगैरह वगैरह. जब कोई आप लोग सब लोग जब पूछते हो तब इतना प्रॉब्लम नहीं है मुझे. मैं हमेशा से ये बात करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि मैंने पैच लगाया है. सिर्फ आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टेल दिस दैट येस, दिस इज़ नॉट माई रियल है, बट आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट, एंड आई डू नॉट हाइड दिस. आई हैव गॉट माई एक्सेप्टेंस एट सेम लेवल. एंड ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम फिल्टर्स, इफ यू आर यूजिंग लेंसेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, अगर आप थोड़े से हर एक आदमी जो कुछ प्रॉब्लम हो रहता है, हम लोगों में बहुत एक ना एक चीज़ रहती है जिससे हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं है. ओके, और ये बॉडी पॉजिटिविटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद मैं उसको बेहतर करने का सोचने लगा. अभी भी अगर मैं कन्फेस कर सकता हूँ कि ये मेरे रियल हेयर नहीं है तो अभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि
it is just about if you are using Instagram filters, or it is just about अगर आपको बहुत बड़े नंबर का चश्मा था तो आपने सिंपली कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनना शुरू कर दिया, आपने आपके दांतों के लिए ब्रेसेस लगाना शुरू कर दिया, जैसे वैसे ही है ये चीज़ जो थी जो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया एंड देन आई वाज लाइक ओ यस सो एक फीचर कम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसको बेहतर बना सकता हूँ. और I simply went for this and this happened and I'm really very grateful for that one speech जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि देख सब लोग ही कुछ ना कुछ फिल्टर्स कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, सब लोगों को पता है कि वो कहीं पर ना कहीं पर तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा है, और उसके हिसाब से people are trying to fit in normal thing, just what we call normal. Okay, but more than that, you're accepting yourself as you are, and then you are starting to think about it. Ki abhi main isko aur behtar banaunga. That is the real deal. So I did it, and I'm really very happy.